जय श्री राम प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का केवल एक मिनट ही काफ़ी है आपकी सभी इच्छाएं तुरंत पूरी करने के लिए। प्यारे भक्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको हम बता देते कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और ये किस समय पर होता है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा और मुहूर्त का मतलब समय। परमात्मा का समय और ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा की तरफ से दिया हुआ बहुत ही सुंदर और बेशकीमती तोहफा है, तो हम सबको इस सुंदर बेशकीमती तोहफे का लाभ उठा लेना चाहिए। और ये सुबह सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन परम ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 3 बजे से। तो आप 3 से लेके और सूर्य उदय होने तक जब भी उठ जाएं, तो उठ करके केवल एक मिनट ही आपको वो देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। देखो, वैसे तो आप ऐसे भी सोचते होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है ऐसा। ब्रह्म मुहूर्त में वो होता है जो आपको दिन में नहीं मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का एक मिनट और दिन का 1 घंटा बराबर है प्यारे भक्तों। क्यों? क्योंकि उस समय परमात्मा की शक्ति वातावरण में होती है, परमात्मा स्वयं विद्यमान होते हैं, सारी दैवीय शक्तियाँ होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा होती है। सभी संत ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते हैं, उसकी सारा उनकी सभी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वातावरण में फैली होती है। और आपका जो मन होता है ना, यानी कि मस्तिष्क, वो बिल्कुल सकारात्मक होता है, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी होता है, 100% वर्क करता है। तो आपका मन 100% वर्क करता है और आपके जो दिमाग होता है उस दिमाग में उस समय ना के बराबर विचार होते हैं। और सारा खेल वही होता है कि जब आपके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं होता, मन में कोई विचार नहीं आते, तो वो तुरंत ही परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है और परमात्मा भी तैयार खड़े हैं, क्योंकि वो खाली समय होता है। जैसे आपको गाड़ी चलानी सीखनी है तो रोड पे जाओगे, जब दिन में जाओगे तो ट्रैफिक होता है, लेकिन सुबह अगर जाओगे तो खाली रोड होता है, आसानी से आप सीख लोगे। ऐसे ही सुबह परमात्मा भी खाली होते हैं, तो आप उस समय उनसे जुड़ेंगे तो वो तुरंत ही आपको गले से लगा लेंगे और सारी इच्छाएँ तुरंत पूरी कर देंगे। अब करना क्या है ये समझ लीजिए। देखो, आप शुरुआती साधक हो तो शुरुआत करें नाम जप की किसी भी उससे, लेकिन उसके बाद जब आप प्राण जप पे पहुंच जाओगे, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि शुरुआती साधक भी प्राण जप कर लेते हैं कई, क्योंकि उनका प्रारब्ध इस तरह का होता है वो पीछे के जन्म में पहले की भक्ति कर चुके होते हैं। तो प्राण जप यानी कि अजपा जप, यानी कि श्वासों का जप। अगर आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 1 मिनट प्राण जप कर लेते हो, तो प्यारे भक्तों आप जानते नहीं हो कि आपको क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राणों में वो स्वयं विद्यमान है। अगर प्राण जप आपने कर लिया, प्राणों के द्वारा उससे जुड़ गए, उसको याद कर लिया, तो डायरेक्ट उससे कनेक्शन हो जाता है। और उससे जब डायरेक्ट कनेक्शन 1 मिनट लगातार आपका हो गया, तो समझ लो कहने ही नहीं है। लेकिन आप प्रतिदिन 1 मिनट करोगे तो कुछ दिन अभ्यास के बाद उससे निश्चित ही आप कनेक्ट हो जाओगे ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वो शक्तिशाली समय होता है परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए। तो जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं इच्छाएं आपकी पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो वो तुरंत पूरी करते हैं। इच्छाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, सांसारिक हो सकती हैं, आध्यात्मिक हो सकती हैं, सबकी अपनी सोच है। कोई सांसारिक वस्तु मांगता है, कोई उसके दर्शन मांगता है, और कोई तो कुछ भी नहीं मांगता। असली भक्त तो वही होता है जो उसके दर्शन की भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि वो दर्शन फिर स्वयं दे देगा। तो प्यारे भक्तों, आप ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़े, यानी कि प्राण जप करें। प्राण जप किस तरह करना है? अपनी आती जाती श्वासों के साथ नाम को जोड़ दें या सोहम को जोड़ दें और परमात्मा से जुड़े। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।